मुखबरी के शक में हुई दो पक्षों में मारपीट, 3 महिलाओं सहित 4 घायल। हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के सिखेड़ा रोड स्थित जाटान मढ़िया में सोमवार रात को मुखबरी के शक में युवक के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट कर दी। युवक के परिजन को भी मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में 3 महिला सहित 4 लोग घायल है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के डर से मकान पर मकान बिकाऊ लिखकर पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर बबलू, हिमांशु, कपिल, चिंटू उर्फ चिराग, आइसक्रीम उर्फ विकास के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कई रिपोर्ट करने जाने सामान फोन सब तोड़ फाड़ दिया, सब फेंक दिया। जो पैसा है मकान की किस्त हमारी जावे, वे उन्हें लेके सवेली काट गए। हम थाने में आ गए तो हमारी मम्मी ही बस इकली घर एक बेटी ही 1500 साल की, तो मम्मी की गंभीर हालत है, दोनों टांगे तोड़ दी, इतना लट बजाया, बहुत सारा मतलब गंभीर हालत है। हापुड़ मम्मी का क्या नाम है? जिस सरबत जिनका चोट आई है, जिनका चोट आई है उनका क्या नाम है? पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी। हम थाने में आए रिपोर्ट करने, तो जब हम थाने में आए तब उन्होंने जाके करा, फिर दोबारा से हमला। हमारी मम्मी का हमला करा, मम्मी के बेटी है, बेटा नहीं है हमारी मम्मी के। जो हम रिपोर्ट करने की अब धमकी आ रही है हम पर, अगर तुमने फैसला ना करा तो हम गोली से मार देंगे, बहुत बुरा कर देंगे तुम्हारे साथ। धमकी आ रही है, मेरी बेटी की ससुराल फोन करा उन्होंने। आपका? मेरा नाम लक्की नागरिक है। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला पिलखुवा चंडी मंदिर के पीछे टाटों की मंडी है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। क्या मामला हुआ भैया? मामला ये हुआ था कि अभी 2 से 3 दिन पहले हिमांशु के चाचा के लड़के को पुलिस थाने आई। जैसे ही पुलिस उनके घर घटी तो मैं अपने घर से बाहर निकला, पुलिस वाले ने आवाज़ मार ली, मैं जो है चला गया। हाँ जी बताओ उनका घर कहाँ चिंटू का? तो मैंने ना उन्हें बताया ना मैंने कुछ करा, इसी बात पर सोचने लगे कि मैं उनकी मुखबरी कर रहा हूँ, मैं उनका घर बता रहा हूँ। तो कल रात इसी मामले के रंजिश 3-4 दिन से चल रही थी, और मैं कल शाम के टाइम मैं बाहर से आया तो मैं अपने घर को जा रहा, रास्ते में ये हिमांशु कपिल आइसक्रीम और इन लोगों ने मुझे रोका। मेरे से पहले 2-3 मिनट बात करी, फिर कपिल ने मेरे साथ हाथापाई करी बढ़िया वाली, मुझे मारने की कोशिश करी, मेरी आँख नीली हो रही है। फिर उसके बाद मैं इनसे छुटा के अपने घर आ गया। घर आ गया मैंने अपने घर की बताई, घर की बताने के बाद घर के बोलने लगे कि रिपोर्ट करने चल रही। हम रिपोर्ट करने को भागे, फिर जैसे ही हम अपने मोहल्ले से बाहर निकले तुरंत इन्होंने हम वहाँ पर घेर लिए। घेरने के बाद फिर हमारी वहाँ माता को मारपीट हुई, और मेरी मौसी है, मेरी मौसी के चोट आई है, मेरी मौसी का बेटा है उसका सिर फोड़ दिया इन्होंने। अब फोड़ने के बाद वहाँ पे फिर मैंने 112 पर फोन करा, पुलिस आ गई वहाँ पे। पुलिस आने के बाद पुलिस हमें थाने में ले आई, हम यार FIR करवा रहे। उन लोगों ने 7 जने ने उसमें था कपिल जाट, हिमांशु जाट, आइसक्रीम चिंटू जाट और उनके पिताजी बबलू चौधरी, ये लोग थे। और 2 लोग उसमें अन्य थे, उन्हें नहीं मैं जानता, ना ही मेरे गुजरा घर के जानते, जो घर पे थे। तो मेरी नानी है 70-75 के बीच की एज है उनकी। उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके दोनों पैर तोड़ दिए और उनके हाथ में भी है दिक्कत, पूरे शरीर पे लट बजाए। और हमारे घर में एक 15-16 साल की बेटी है, उसके साथ खींचातीन करी, उसने घर में बढ़ के संकल लगा ली अंदर कमरे में। उसके बाद हमें अब फिर हम थाने से जैसे निकले हमारे पास सूचना आई गुजरा घर से, हमने तुरंत हम उल्टे आए थाने में। उसके बाद हमने पुलिस को ले जाकर अपने घर देखा, तो हमारे घर में हमारी जो नानी है उनकी दोनों टांग टूट रखे, हाथ में चोट है, और हमारे घर के हमारे 2 मकान है वहीं पर बगल बगल में, हमारे दोनों घर के दरवाजे तोड़ रखे अंदर, जहाँ पर नानी लौटी हैं वहाँ पर कूलर वूलर सब कुछ तोड़ ताड़ के अंदर थोड़े से पैसे भी रखे हैं, और उसके बाद लौंडिया भी है थोड़े पैसे वैसे सब ले ला के, और जो है सोने वो जो घर में सबके में रहते हैं सोने की चीज़ थोड़ी सी और पैसे ही उन्हें ले ला के पीट पाट के जो है चले गए। अब हमने जब रिपोर्ट कर दी पुलिस पूरी रात वहाँ वही रुकी है। अपनी पुलिस को सूचना दी आपने? तो उससे जब दोबारा हम रिपोर्ट जो है करना आए,
जब हम दोबारा रिपोर्ट करने आए, पहली बार आए थे तो उन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया। फिर दोबारा सूचना हमने पुलिस को दी, फिर पुलिस आई हमारे घर, वहाँ रुक के गई, फिर वहाँ पे कुछ सिपाही हमारे घर पे छोड़े, अभी तक वे हमारे घर पे हैं पुलिस वाले। ठीक है जी, अब हमारे पास धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, कभी मेरी बहनों के यहाँ पे फ़ोन पहुँच रहा है, कभी कहीं फ़ोन पहुँच रहा है, कभी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि फैसला कर ले ना तो मार देंगे, हम क्या जेल चले जाएंगे। हिमांशु चाट के और कपिल जाट के ये लैंग्वेज की अभी फ़ोन पे मेरी बहन से कि बहन हम पे तो 25 मुकदमे हैं, 2600 मुकदमा आपका उड़ सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें मानने की धमकी जा रही है, मेरा परिवार सारा जो है दहशत में है और मानने की हमारे धमकी आ रही है, अब हम खतरे में हैं।